मुश्किल ये पहला तो सवेरे जान लगे मुश्किल आती है, कोई 7-8 बजे लाइट चलती है, इधरों पार 10 बजे के करीब हो जाता जो उधरों वापस आना हो उधरों ही वापस किसी को लोड़ 10 बजे पी 11 बजे पी है तो आ के घंटा डेढ़ सू इतें रुकना पैंता दरिया पार उस तो बाद इधर किश्ती जाएगी फिर अं इधर ना जो सरकार आँदी आ तो वोटा लै गांह जाते नहीं आ करा जे करा मुड़ के ना कोई साड़ी आवाज पूछने गलों बाद यह कुछ बन रहा है रात बराते जे जे कई बार पानी आ जाए तो कुछ भाई सू नंगा ही ना जाए नंगा ही ना जाए मुश्किलों उधर काफ़ी तकरीबन कोई 5000 एकड़ तो ज़्यादा जमीन हैगी है तो घनी के बेट पिंड है इतों तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर पै जाता इतों तो उतना दिक्कत ज़्यादा आती है जो किसान ने उन्होंने ज़्यादा दिक्कत आती है कि उधर सारा खेतीबाड़ी का उधर जो पशु भी है उन्होंने को खेतीबाड़ी का ज़्यादा उधर मतलब हैगा ज़्यादा इन्हों का फिर इन्हें डेली आना डेली जाना वा फिर तुम देख रहे जिस तरह बाइक मोटरसाइकिल लाते हैं टुटदी भजदियाँ भी है इन्हों नू मतलब काफ़ी ज़्यादा दुध लैके आना उधरों इन्होंने सवेरे लैके आना शामी फिर वापस जाना फिर खाद वगैरह खड़नी पैंदी है दूसरा समान जो घर वाला घरेलू जरा वा वो भी दिक्कत आदि सरकार का तो कोई कसूर नहीं है तो मतलब ये बनाने वाले जरा उन्होंने थोड़ा प्रॉब्लम हैगी कि उन्होंने जो बनाया वा वो बिच दो तीन जी है जी पानी के पाइया ही वो मतलब बह गई बिच दी बिच ही उदे करके दिक्कत आई है नहीं तो हुण तक पुल तैयार हो जाना सर मुश्किल तो बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा फ्लड हों तो बोट नहीं चल सकते बिना इंजन तो सू एक इंजन बोट चाहिए है तो सर साडा टाइम हैगा सवेरे 7 बजे तो शाम 7 बजे तक महकमे वालों पर सू इतने सवेरे 6 बजे तो लैके रात 8-9 बजे तक किश्ती चलानी पैंती है किसानों की सहायता दे सुबह जल्दी आते हैं तो शाम लेट हो जाते हैं खेतों में सर सू सुरक्षा वास्ते कोई भी नहीं है समान इदा कोई भी नहीं मिले कि जी सा सुरक्षा की जाए ये तो चलो इदा ही हो सर ये सरकार ने तो महकमे ने यही कहना चाहते कि सानू सेफ्टी का फुल समान चाहिए सहायता वास्ते एक इंजन बोट होनी चाहिए है।